आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम खुद कहेंगे कि जिम्मेदारों को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाया जाए, ऐसे फैसले करें जिससे पार्लियामेंट मजबूत हो। अपोजिशन लीडर की तकरीर को पीटीवी पर नहीं दिखाया गया। सिलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए। कायदे इस बेख्तला एहतजाज कर रहा है कि उसके स्पीच जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रिवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रिवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। अपोजिशन के दोस्त हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहाँ हम सब अग्री करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दें। पहले शोर कर रहे थे कि इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि है जमहूरी या गैर आइनी होगा, दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूं। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ, और जो बेगुनाह है तो आप भी कहेंगे कि वो बेगुनाह को आप इंसाफ दिलवाएं।